हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। मैं सुमित राघवन, आपका होस्ट। शादी के सीजन में जय हिंद में आपका स्वागत है। हाँ भाई, आजकल शादी का जबरदस्त सीजन चल रहा है। बस ये कह सकते हैं कि जो स्कैम नहीं कर रहा है वो शादी कर रहा है। वरुण गांधी ने भी शादी कर ली और शादी के दो दिन बाद ही उनकी माँ मेनका ने हाईकोर्ट में नोटिस भेज दिया कि बेटा घोड़ी क्यों चढ़े, जानवरों पर अत्याचार मना है। और शादी के सीजन को ही ध्यान में रखते हुए इमेजिन टीवी पर नया रियलिटी शो शुरू हुआ है, शादी 3 करोड़ की। नहीं, ये सोलापुर में आर्य समाज द्वारा कराई गई मास मैरिज का शो नहीं है, जिसमें 1.5 करोड़ लड़के और 1.5 करोड़ लड़कियों से शादी करते हैं। यहाँ 3 करोड़ का मतलब है 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, इसमें इमेजिन वाले एक कपल को 3 करोड़ रुपए देकर उन्हें अपनी शादी प्लान करने को कह रहे हैं। मैं होता तो पैसे जेब में रखता और कोर्ट मैरिज करके घर भाग गया। वैसे मेरे हिसाब से इस शो का नाम होना चाहिए था लगा दी 3 करोड़ की। लेकिन काफी अच्छा शो है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है। लोग 3 करोड़ की शादी देखेंगे, फिर सब लड़के वालों को खुजली होगी कि हम भी महंगी शादी, लड़की वालों से ज्यादा दहेज मांगेंगे, वो नहीं देंगे तो लड़की को मारेंगे, और मारेंगे तो इमेजिन राखी का इंसाफ के सीजन 2 में उनको बुला के इंसाफ देंगे। क्या स्मार्ट आइडिया, कैसे सोचते हो यार तुम लोग इतने स्मार्ट आइडिया। I'm jealous of you guys, really, कसम से, fuck you. लेकिन आपने देखा इमेजिन का ट्रैक रिकॉर्ड, देखा आपने, इतना कंसिस्टेंट जैसे उदय चोपड़ा का करियर। पहले राखी का स्वयंवर, फिर राहुल महाजन का स्वयंवर, फिर राखी का इंसाफ, फिर वो जोर का झटका, और अब शादी 3 करोड़ की। एक के बाद एक ऐसे शो जिन्हें देखकर आपकी आंखों की भी टेस्टिकल्स फूट जाए। अभी बाकी है वरुण दत्ता की नई रिपोर्ट, 127 आवर्स के 6 नए वर्जन, वो 127 आवर्स के। हाँ, अर्जुन सिंह को हमारी श्रद्धांजलि, और अपनी नई फिल्म गेम पर बात करने के लिए आ रही है खुद कंगना रनौत। यस, आजकल स्टार लोग अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। ये सारी बातें होंगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, टिल देन। सबसे पहले कुछ नहीं था, नहीं था।
इसीलिए सब बोलो।